यूपी के फतेहपुर जिले की पुलिस ने ढाई माह पूर्व 450 वर्ष पुरानी अष्टधातु की चोरी राधा कृष्ण की मूर्ति को बरामद कर बड़ा खुलासा किया है। शातिर चोरों ने जाफरगंज थाना क्षेत्र के कोटिला गांव से मूर्ति चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद से ग्रामीणों में मूर्ति बरामदगी के लिए आक्रोश था। एसपी सतपाल अंतिम ने मूर्ति के अनावरण के लिए टीमों का गठन किया था, जहां आज पुलिस ने खागा कोतवाली क्षेत्र के पुराइन गांव के पास शातिर लुटेरों को पकड़ तलाशी ली, जिनके पास से खंडित राधाकृष्ण की मूर्ति मिलने के बाद जाफरगंज पुलिस से मूर्ति की फोटो मंगवा मूर्ति बरामद करते हुए पकड़े गए चार शातिर लुटेरों के खिलाफ कार्रवाई की। पकड़े गए लुटेरे जिले के रहने वाले हैं, जो मूर्ति चोरी कर बेचने की फिरका में थे। वहीं एसपी सतपाल अंतिल ने खुलासा करते हुए बताया कि अष्टधातु की मूर्ति को जाफरगंज से चोरी किया गया था, जिसे बरामद कर लिया गया है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर में करोड़ों की बताई जा रही है। पकड़े गए शातिर के पास से चोरी की हुई मूर्ति को 450 वर्ष पुरानी है और इनके पास से अवैध असले भी बरामद हुए हैं। पकड़े गए लुटेरा राजेश विश्वकर्मा, हरिश्चंद्र, प्रदीप और अजीत को पकड़ा है, जिनके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनके अरेस्ट कर खुलासा किया गया है। देखिए, करीब ढाई महीने पहले ग्राम खोटीला थाना जाफरगंज में श्री राधा कृष्ण की अष्ट धातु की और करीब 450 साल पुरानी 8 पीढ़ियों पुरानी मूर्तियां चोरी हुई थी और इस संबंध में वहां पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। जनपदीय पुलिस के द्वारा लगातार इसमें प्रयास किया गया और इसमें खागा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कि चार मूर्ति चोर पकड़े गए हैं और पूरा की पूरी इसमें बरामदगी हुई है। इसमें इनके द्वारा बताया गया कि इंटरनेशनल मार्केट में इन मूर्तियों की कीमत 1 करोड़ से ज़्यादा थी, जिसको ये चुराने के बाद बेचने की फिराक में थे और समय रहते खागा पुलिस के द्वारा इसमें कार्रवाई करते हुए इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें मेन एक्यूज्ड वहीं कोटिला का रहने वाला फूल बाबू है और इसके साथ तीन लोग और हैं जो गिरफ्तार किए गए हैं। इनका पूर्व में आपराधिक इतिहास भी है। इन सब पर गैंगस्टर लगाकर इनके द्वारा अपराध से कारित जो संपत्ति है अर्जित की गई है, वह संपत्ति की जब्त का भी जब्तीकरण किया जाएगा।